मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सफलता के लिए अयोध्या में अनुष्ठान शुरू हुआ है, तो वहीं प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की प्रचंड बहुमत के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पुनः मुख्यमंत्री बनाने के लिए अनुष्ठान किया गया। ये 151 दिवसीय अनुष्ठान मुख्यमंत्री के पर्चा दाखिले के साथ शुरू किया गया। मां पीताम्बरा के अमोघ मंत्रों से 125 करोड़ आहुतियां अनुष्ठान शुरू हुआ है। पिछले 8 वर्षों से प्रधानमंत्री की सफलता के लिए रामादला ट्रस्ट अनुष्ठान कर रहा है। रामदल अध्यक्ष पंडित कल्किराम ने बताया कि सनातन धर्म के हितार्थ श्री रामलला का आशीर्वाद लेकर अब तक जितने भी महानुष्ठान किए गए वह सभी अल्प समय में सिद्ध और साकार हुए हैं और यह सिलसिला भारत के भव्यतम निर्माण की सफलता तक चलता रहेगा। रामादल विगत 8 वर्षों से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के प्रयासों की सफलता के निमित्त वृहद धार्मिक अनुष्ठान संचालित कर रहा है। कृष्ण जन्माष्टमी से ही 151 दिवसीय महानुष्ठान पुनः प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विधानसभा में प्रचंड सफलता के लिए शुरू किया गया था। आज उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने चुनावी बुगुल बजाते हुए अपना नामांकन दाखिल किया है। उसी समय जिस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर रहे थे, उसी समय धर्म नगरी से अयोध्या जी में भगवान टेढ़ी यतीश्वर महादेव जी का रुद्राभिषेक करते हुए भगवती पीताम्बरा का आवाहन कर 125 करोड़ अमोघ महामंत्रों की यज्ञाहुति का क्रम शुरू किया गया है, जो आगामी 22 मार्च को संपन्न होगा। इस अंतराल में 125 करोड़ महामंत्रों की आहुति देते हुए भगवती पीताम्बरा से 350+ के साथ पुनः उत्तर प्रदेश में भगवा सरकार की स्थापना की प्रार्थना की जाएगी।